पहले तो बिलासपुर में अवैध तरीके से महुआ, शराब, गांजा और नशीली गोलियां एवं सिरप ही बेची जा रही थी, लेकिन अब तो यहां अफीम भी बेचा जाने लगा है। हालांकि कुछ दिन पहले बिलासपुर में एक बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ाया था जिसमें शहर के छठे हुए बदमाश शामिल थे। यानी बिलासपुर धीरे धीरे नशे का अड्डा बनता जा रहा है। बाहर से आकर नशे के सौदागर बिलासपुर में अपना माल खपा रहे हैं। यही कारण है कि SP और IG के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस लगातार ऐसे तत्वों पर नकेल कस रही है। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया में अफीम की बिक्री भी धड़ल्ले से की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर चेक डैम के पास छापा मारा, जहां घेराबंदी कर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान 27 खोली निवासी युवराज सिंह, सरकंडा निवासी अंकित कुमार घोष, नालंदा बिहार निवासी नरेश रविदास, तालापारा निवासी शमशेर अली और तरण ताल पंजाब निवासी जगतार सिंह के पास से अलग अलग मात्रा में अफीम बरामद की गई। मामले के मुख्य आरोपी जगतार सिंह के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 100 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई। पता चला कि जगतार सिंह पंजाब और उड़ीसा से अफीम लाकर स्थानीय नशेड़ियों को उपलब्ध करा रहा था। उसके पास से बिक्री की 6,000 रकम भी पुलिस ने जब्त की। एक तरफ जहां बाहर से नशे के सौदागर नशीले पदार्थ लाकर बिलासपुर में बेच रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर में भी 2 से 3 गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। ये गिरोह राजकिशोर नगर, मंगला और झराभाटा में अपना व्यवसाय चलाते हैं। तथाकथित पत्रकार भी इसमें शामिल है, ऐसी बातें भी सामने आई है, एवं मीडिया हाउस के भी कुछ प्रभावशाली लोगों के इसमें शामिल होने की बात कही जाती है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ छोटी मछलियां ही लगी हैं, जिस कारण से यह कारोबार थमता नहीं दिख रहा। रोशनी न्यूज़ के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।